हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M42 5G फ़ोन को कंपेयर करने वाला हूँ Mi 10i के साथ। सो गाइज, ये जो दोनों फ़ोन हैं, इन दोनों में जो है वो सिमिलैरिटीज़ और प्राइस डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है। सो सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों में आपको जो है बिल्कुल सेम प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर मिलता है ये दोनों फ़ोन में। और गाइस, बहुत कुछ जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों फ़ोन में और डिफरेंसेस भी। बट कौन सा फ़ोन जो है आपको परचेस करना चाहिए, सैमसंग की तरफ से जो आता है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G या Mi 10i 5G फ़ोन जो है वो। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल कंपेयर करके इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी और ज़्यादा अच्छा स्पेक्स एंड हार्डवेयर के साथ आती है। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी M42 के डिस्प्ले कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको जो है वो HD+ डिस्प्ले मिलता है, 6.6 इंच का आपको HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन है 1600x720 पिक्सल्स। ये आपको 60Hz पे जो है आपको डिस्प्ले मिलता है। और इस डिस्प्ले में आपको फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है और उसमें आपको 20MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें लगाया गया है। वहीं आपको जो Mi 10i 5G फ़ोन है, इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो आपको फुल HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है 6.67 इंच का, जिसका रिजोल्यूशन है 2400x1080 पिक्सल्स। तो ये फुल HD+ डिस्प्ले है ये। और इसमें आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो आपको 120Hz का जो है आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, जो सैमसंग गैलेक्सी M42 में जो है आपको 60Hz का मिलता था। इसमें आपको एक पंच होल कैमरा दिया गया है फ्रंट में, 16MP का सेल्फी कैमरा है और सैमसंग में आपको 20MP का मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें दिया गया है और सैमसंग गैलेक्सी में इन डिस्प्ले दिया गया है। पीछे के साइड कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी में आपको जो है वो पीछे के साइड 48MP का प्राइमरी लेंस प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड प्लस 5MP का माइक्रो एंड 5MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा लगाया गया है। वहीं आपको Mi 10i जो है, इसमें आपको पीछे के साइड 4 कैमरा लगाया गया है। 108MP का आपको जो है वो प्राइमरी लेंस मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा लगाया गया है। दोनों ही में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है, 2 सिम लगाने का स्लॉट और एक जो है वो SD कार्ड लगाने का स्लॉट आपको मिल जाएगा। और दोनों ही फ़ोन में आपको जो है वो प्रोसेसर मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन है। क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर मिलता है, जो एक 5G रेडी प्रोसेसर है। तो ये जो दोनों फ़ोन है वो 5G फ़ोन है। और गाइज, ये जो दोनों फ़ोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको One UI 3.1 जो है आपको गैलेक्सी M42 में मिलता है और Mi 10i में MIUI 12 का जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिल जाएगा। ब्लूटूथ के मामले में जो है आपको दोनों ही में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। बाकी सारे सेंसर जो भी इंपॉर्टेंट है जो फोन्स में होते हैं, वो सारे सेंसर इन दोनों में दिए गए हैं। और प्राइस के मामले में आपको जो है वो सैमसंग गैलेक्सी में आपको 8GB रैम एंड 128GB का प्राइस है 19,999 रुपीज़। वहीं आपको Mi 10i जो है, इसमें आपको 6GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 20,999 रुपीज़। और सो गाइस, ये तो हो गया कंपैरिजन। अब एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है Mi 10i में, तो Mi 10i में आपको जो है वो एक्स्ट्रा डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, जो हाईडिस सपोर्टेड है, IR ब्लास्टर मिलता है, रिवर्सेबल चार्जर चार्जिंग मिलता है, किसी दूसरे फ़ोन को भी आप चार्ज कर सकते हैं, और 240Hz का जो आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, डुअल स्प्लिट चार्जिंग फॉर फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। तो फास्ट चार्जिंग के लिए जो है वो स्प्लिट चार्जिंग जो है वो दिया गया है, डुअल स्प्लिट चार्जिंग। और इसमें आपको नेविक GPS मिल जाता है, जो इंडिया बेस्ड इसरो बेस्ड जो है वो सेटेलाइट है, उसके थ्रू जो मैपिंग होता है वो आपको मिल जाता है, नेविक बेस्ड आपको जो है वो इसमें GPS मिलता है, और डुअल फ्रिक्वेंसी GPS आपको इसमें मिलता है। तो ये सब जो है आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं Mi 10i में। और इसका ग्लास जो है वो गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। सो गाइस, मेरा मानना ये है कि आप जो है वो इन दोनों फ़ोन को अगर कंपेयर किया जाए तो Mi 10i जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी और ज़्यादा अच्छा इसमें स्पेसिफिकेशंस भी है। आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो गाइस, एक चीज छूट गया, वो है बैटरी। तो आपको जो है वो सैमसंग गैलेक्सी M42 में जो है वो आपको बैटरी मिलता है, 5000mAh का बैटरी मिलता है 15W के चार्जर के साथ। और Mi 10i में जो बैटरी मिलता है वो आपको 4820mAh का बैटरी मिलता है 33W के चार्जर के साथ।
सो गाइज इन दोनों फ़ोन को अगर कंपेयर किया जाए तो Mi 10i ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी और ज़्यादा अच्छा जो है हार्डवेयर के साथ भी आती है। सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।